महादेव। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं, कैलाश कैलाश मानसरोवर मानसरोवर यात्रा। यात्रा जैसा जैसा कि कि हम हम सभी सभी जानते जानते हैं हैं कि कि पिछले पिछले 3 सालों सालों से से कैलाश कैलाश मानसरोवर मानसरोवर यात्रा यात्रा बंद बंद थी, थी। अभी अभी वह वह चालू चालू हो हो गई गई है, है, चालू चालू होने होने वाली वाली है। है। उसके उसके बारे बारे में में क्या क्या नया नया नियम नियम नीति नीति निर्देश निर्देश आए आए हैं, हैं, उस उस बारे बारे हम हम चर्चा चर्चा करेंगे। करेंगे। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 3 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से चालू होने वाली है। यहाँ चीन ने फिर से अपनी नई चाल चली है। चीनी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्चा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही नियम बहुत ही कठोर कर दिए हैं। पहले जितना खर्चा लगता था अब उससे करीब दुगना खर्चा प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। लगभग 1,85,000 रुपये खर्च करने होंगे प्रति व्यक्ति। जो भी हिंदू धर्मावलंबी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाएंगे उन्हें 1,85,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एक आम व्यक्ति के लिए यह बहुत ही बड़ी रकम है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 साल पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कुछ झड़प हुई थी और भारतीय सैनिकों ने इतिहास में पहली बार, मतलब पिछले 70 सालों के इतिहास में पहली बार खुलकर चीनी सैनिकों की पिटाई करी थी। उनके एक थप्पड़ के जवाब 100 थप्पड़ से दिए थे। इसके पहले पुरानी सरकार में यह बंदिश थी सेना के ऊपर कि वह आपके ऊपर जानलेवा हमला करें तब भी आपको हाथ बांध के खड़े होना है। तो पहली बार आदरणीय मोदी सरकार ने सैनिकों को खुली छूट दी और भारतीय सेना जो ताकत में दुनिया के सबसे मजबूत सेना मानी जाती है उन्होंने चीनी सैनिकों को गाजर मुरी की तरह काटा, नंगे हाथों से बिना हथियारों का उपयोग किए मार मार कर अजमरा कर दिया। बीच में कोरोना भी हुआ, उस कारण 3 साल तक यात्रा बंद रही। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाले संगठन SCO की दिल्ली गोवा में हुई समिट के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना चालू कर दिया। वीजा क्यों लेना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र में आता है किंतु चीन ने उस क्षेत्र पर कब्जा करके रखा हुआ है। 1962 में युद्ध के बाद में नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण हमें अपना वह क्षेत्र गंवाना पड़ा। भले ही वह तिब्बत के अंतर्गत आता है लेकिन चीन ने का कब्जा होने के कारण हमें वहां पे वीजा लेना पड़ा, तभी हम हमारे इतने बड़े धर्म स्थल पर कैलाश मानसरोवर में जा सकते। कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर है, लेकिन फिर भी कोई भारतीय जाना चाहे तो वीजा लेकर जा सकते। में इसका नाम अष्टपद गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। यह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है। यह 6,638 मीटर या 21,778 फुट की ऊंचा स्थित है। चीनी भाषा में इसे कांगरी पोके या गैंग रिन पोचे, गैंग रिन पोक्यू फेंग या तिब्बती भाषा में मापम युत्सु कहते हैं। पर हम हिंदुओं के लिए यह एक पवित्रतम हिंदू धर्म स्थान है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे करें? तक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। भारतीयों को प्रवेश को सीमित करने के लिए चीन ने हमेशा की तरह एक नई चाल चली है। चीन भारत से हमेशा नफरत करता है। तीर्थयात्रियों को वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यात्रियों को पहले चीनी दूतावास के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सबको पता है कि किसी भी दूतावास वीजा लेने के लिए उस दूतावास में कितना मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बायोमेट्रिक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पिछले कई सालों से छोटे छोटे निजी ऑफिसों में भी बायोमेट्रिक मशीनें आ गई हैं, किंतु उधर पे जाकर बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना और उसके बाद में चीनी टेक्नोलॉजी उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, कितना खर्चा होगा। वीजा पाने के लिए कम से कम 5 लोगों का समूह होना जरूरी है, जिसमें से 4 लोगों को अनिवार्य तौर पर वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा। मतलब बहुत ही मुश्किल कंडीशन डाल दी है। हमें अपने आराध्य देव के दर्शन करने जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। तिब्बत में प्रवेश करने वाले नेपाली श्रमिकों को ग्रास डैमेजिंग मतलब खांस का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के रूप में $300 देने होंगे और यह खर्चा हम तीर्थयात्रियों को भी वहन करना पड़ेगा। किसी वर्कर को साथ में रखने के लिए 15 दिनों की 13,000 रुपए की प्रवास फीस ली जाएगी। पहले यह 4,200 रुपए थी। यात्रा संचालित करने वाली नेपाली फर्मों को $60,000 चीनी सरकार के पास जमा कर रहे होंगे। खैर यह एक टेक्निकल इशू है, अलग बात है, लेकिन हिंदुओं के लिए अपने आराध्य के तीर्थ स्थल पर जाने के लिए चीन ने बहुत ही कड़े नियम लगा दिए हैं। यह वेबसाइट है kmy.gov.in, कैलाश मानसरोवर यात्रा kmy.gov.in। इस पर हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एप्लीकेंट शुड प्रोसेस एंड
ordinary Indian passport valid for last 6 months as on 1 सितंबर of the current year. का मतलब है कि आवेदक को अपने पासपोर्ट जो कि वैलिड हो और जो भी 1 सितंबर को 6 महीने के लिए वैलिड हो उस पर ही हम यात्रा कर सकते हैं. इट इज द एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. ये तो सामान्य सी बात है कि जो भी जानकारी होगी, आज स्कूल के बच्चों का फॉर्म भरते हैं तब भी हमें सामान्य जानकारी देनी पड़ती है, गलत होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है. पर क्या गारंटी है कि चीनी सरकार उसको पूरा एक्सेप्ट मानेगी कि नहीं मानेगी. फिर नीचे नियम दिए गए हैं कि एप्लीकेंट कैन ऑल्सो सेलेक्ट प्लेस एस एंड पॉइंट. हम यात्रा कहाँ समाप्त करेंगे वो हमें बताना पड़ेगा. रूट एक लिपुदेक या रूट टू नाथुला. चीन को यह समझना चाहिए कि हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म स्थल तीर्थ यात्रा का स्थल कैलाश मानसरोवर है और उसने उसे अवैध कब्जा करके रखा हुआ है. पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय सालों तो बहुत दूर की बात कह दी, कुछ महीनों के अंदर ही कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पूरा भारत के क्षेत्र में आ जाएगा. और आदरणीय मोदी जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह मतलब सैन्य प्रणाली से ज्यादा जरूरी आर्थिक सुदृढ़ता पर ध्यान दे रहे हैं. इस कारण मतलब ध्यान उनका कम है, हालांकि फिर भी हमारी सेना पहले की अपेक्षा बहुत 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 शक्तिशाली हुई है और इतिहास में पहली बार चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से थरथर कांप रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि चीन अपना पूरा अधिकार ना सिर्फ कैलाश मानसरोवर बल्कि उससे ज्यादा बड़े क्षेत्र पर खो दे. और अभी हमको वीजा लेना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत से सटे हुए क्षेत्रों में चीनी सेना या चीनी नागरिकों को आने के लिए भी भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़े. ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा विश्व इस चीज को जानता है कि मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हो सकता है. चीन को चाहिए समय की नजाकत को समझे, हमारे धार्मिक स्थल को स्वेच्छा से हमें सौंप दे. हम तीर्थ यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं. ओम नमः शिवाय.